क्लास 10 साइंस सैंपल पेपर 2023 के क्वेश्चन नंबर 16 के सॉल्यूशन में हम लोग पहुंच चुके हैं। अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। तो ये चैप्टर सिंपली जो है मैग्नेटिक इफेक्ट एंड करंट से रिलेटेड है। अगर आप देखो कि एक मैग्नेटिक फील्ड है किसके अराउंड, तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर, तो लॉन्ग स्ट्रेट के अराउंड जब भी मैग्नेटिक जो फील्ड बनता है वो हमेशा सर्कुलर होता है ना, कॉन्सेंट्रिकल सर्कल, या यूं बोल सकते हैं तो एक क्लोज्ड लूप का फॉर्मेशन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द वायर, ऐसा कुछ नहीं होता यार, परपेंडिकुलर टू द वायर मैग्नेटिक फील्ड हो ऐसा तो कोई सेंस ही नहीं है इस बात की। सेकेंड है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वायर, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं होता। सी रेडियल लाइंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वायर, नहीं ऐसा भी नहीं होता, रेडियल लाइंस नहीं होता बल्कि क्या होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल सेंटर्ड अराउंड द वायर, ठीक है। और उसका डायरेक्शन के लिए हम लोग उसको सिंपली किसके थ्रू समझते हैं, तो वो राइट हैंड थंब रूल है ना, थंब रूल कि अगर कोई डायरेक्शन ऑफ द करंट के तरफ अगर आप रखते हो अपने थंब को तो जो बाकी फिंगर्स जो हैं वो आपको डायरेक्शन ऑफ द करंट, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड को सिंपली दिखाते हैं, जिसके लिए हमने यहाँ पे हेल्प लिया है एनसीईआरटी बुक का। तो एनसीईआरटी बुक में भी आप सिंपली देख सकते हो कि वहां पर एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल, एक क्लोज लूप का फॉर्मेशन हो रहा है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको एकदम प्रॉपर फॉर्म में समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे।